पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले जनता के मुद्दे क्या हैं? क्या जनता बेरोजगारी गरीबी पर वोट करेगी या सांप्रदायिक मुद्दों पर? इंडिया टुडे ग्रुप ने हाल ही में अपने हर साल होने वाले मूड ऑफ द नेशन सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। इस सर्वे में शामिल होने वालों में से करीब 44% जनता ने कहा कि आर्थिक मुद्दे उनके लिए सबसे जरूरी हैं। इसमें यह भी पता चला है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार बुरी तरह फेल हुई है। 64% जनता ने बताया है कि महामारी के दौरान उनकी इनकम घटी है। 67% लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से उन्हें घर चलाने में मुश्किल हो रही है। इस सर्वे में सबसे जरूरी बात यह सामने आई कि सिर्फ 15% लोगों को लगता है कि राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे जरूरी हैं। बढ़ती महंगाई की बात करें तो खुद सरकार का डेटा कहता है कि एसेंशियल फूड आइटम्स यानी वो चीजें जो हम रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाते हैं उनकी कीमतें काफी बढ़ी हैं। 2021 में टमाटर की कीमत 99% तक बढ़ी, सरसों के तेल की कीमत 34%, रिफाइंड ऑयल की 19 और इसी तरह से सब्जियों, तेल और चाय पत्ती और चिकन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर काफी ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। पिछले एक साल में रसोई गैस की कीमत 30% तक बढ़ी है। जो रसोई गैस जनवरी 2021 में आपको 710 रुपए की मिलती थी वो आज जनवरी 2022 में 910 रुपए तक की बिक रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक 2020 से 21 में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर करीब 4 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट किया है, जिसमें से 3.73 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई पर बीजेपी नेताओं के ऐसे अजीबोगरीब बयान सामने आते हैं जिनसे लगता है कि सरकार का इन मुद्दों से कोई सरोकार ही नहीं है। आप जानते ही हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। इनकी कीमतों में इजाफा होने की वजह से सब्जी, फल, दूध, अंडे और बाकी सभी उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ता ही है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये महंगाई उस वक्त में बढ़ रही है जब देश में बेरोजगारी दर 7-9% तक है और 2020 में आपको याद होगा कि जो लॉकडाउन लगा था उस दौरान बेरोजगारी की दर 24% तक पहुंच गई थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोग गरीब हो गए थे और इसमें से 5 करोड़ लोग सिर्फ भारत के थे। आपको ये भी बता दें कि जनवरी की शुरुआत में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2021 में भारत में 84% परिवारों की इनकम घटी और अरबपतियों की जो संख्या है वो और बढ़ गई है। इस बढ़ती महंगाई को सरकार कैसे रोक सकती थी? इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार को फूड ग्रेन असिस्टेंस को बढ़ाकर इसमें नमक, तेल, दालों को भी शामिल करना चाहिए था। इसके साथ ही प्रभावित हुए परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सरकार सभी जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दामों पर खाने की जरूरी चीजें मुहैया करवा देती तो उनकी हालत में सुधार भी आता और हर चीज से मुनाफा कमाने की सोच से भी बचा जा सकता था। मगर आंकड़ों और मौजूदा हालात को देखें तो यही पता चलता है कि सरकार ने ना अब तक ऐसा किया, ना ही आगामी विधानसभा चुनावों में इसे कोई जगह दी जा रही है। एक तरफ जहां जनता बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है, वहीं बीजेपी की चुनावी रैलियों में अल्पसंख्यकों को टारगेट करने, फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बातें की जा रही हैं। देखना है कि आने वाले चुनावों में जनता किस मुद्दों पर अगली सरकार को चुनती है। न्यूज़क्लिक के इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए।